तो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड हम लोग आ चुके हैं एक और एपिसोड के साथ। तो यार, पिछला एपिसोड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हो। बेसिकली ऐसे एपिसोड बहुत अच्छा हुआ था और हम लोग आज फिर से एक और एपिसोड के साथ। तो आज का एपिसोड हम लोगों का होने वाला है कि मिस विसर्ट का जो स्टोरी लाइन था वो तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, और अब हम लोग करने वाले हैं कि आगे देखेंगे कि उसका स्टोरी लाइन में कुछ बाकी है कि नहीं। मुझे लगता है यार थोड़ा कुछ बाकी होगा, तो चलो एक बार देख लेते हैं। एंड मिस बिसेट्टी का स्टोरी को यहीं पे एंड कर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टीचर के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उन लोगों के साथ देखना है हम लोगों को। रायु को, मतलब समझ रहे हो? हाँ, समझ गए होंगे। तो चलो देखना है हम लोगों को। एंड देखने के लिए तुम लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हर एक एपिसोड को न्यू जल्दी से जल्दी देखने के लिए, जल्दी से जल्दी देखना है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, तभी जल्दी नोटिफिकेशन जाएगा तो देख पाओगे। तो चलो चलते हैं एपिसोड में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ देखते हैं। ओके, तो हम लोगों का जो स्किल पॉइंट है वो अभी एक तो बाकी है, बाकी चलो चल गया, सब सब है अभी। एंड स्किल के बारे में मुझे उतना ज़रूरत नहीं है, तो अभी एक काम करते सो जाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलते हैं मिस विसट्टे के पास। मैं महपुन आ गया, तो चलो देखते हैं। एंड आज तो थर्सडे है, तो चलो हो गया। और यहाँ पे मिस विसट्टे के पास पे अटेंशन पी है, वो ये तो माइक में है। तो यहाँ पे आई टोल्ड यू आई को इंस्पायर देम। तो मिस विसट्टे और मिसेस स्मिथ बात हो रही है, मतलब प्रिंसिपल। तो देखते हैं क्या बात चल रहा है अभी। प्रिंसिपल स्मिथ, या विल आई डोंट थिंक इट्स ए ऑन एक्सक्यूज टू स्टार्ट स्लैकिंग ऑफ। मतलब किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या। चलो आगे देखते हैं। डोंट वरी, वाई शुडेंट गिव यू मी 110%। वाओ, इतना कॉन्फिडेंट मैम के पास। गुड मॉर्निंग मिस विजटे। तो यहाँ पे ब्रायू आ चुका है उन गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट। एंड मिस स्मिथ, एंड उसको भी गुड मॉर्निंग। बोंजोर रायू। तो यहाँ पे बोंजोर मतलब गुड मॉर्निंग ही होगा, क्योंकि फ्रेंच में बोला है। तो इस मैम को तो समझ में आया नहीं होगा प्रिंसिपल को। सम गिव मी के लिए क्या, सम गिव मी इवन मोर देन 110%। सम वाओ, मिस विसर्ट इतना कॉन्फिडेंट है कि सब अपने ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम ही तो A+ लाए थे। एंड जस्ट रिमेंबर आई हैव गॉट माई आईज ऑन यू। तो भाई मिस विसर्ट का नज़र है मिस पे, आई मीन मिसेस स्मिथ का मिस विसर्ट पे। तो यहाँ पे बात करते हैं मिस विसर्ट से, देखते क्या है। हाई आर यू, हाई मिस विसर्टे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूस। एंड हैव यू बीन एबल टू कैच अप योर स्टडीज़। तो भाई आते ही पूछना शुरू कि मैंने अपना सही से स्टडी कर रहा हूँ कि नहीं। एंड यहाँ पे लिखा आई रियली होप यू डू। तो भाई मैं तो कर तो रहा हूँ, एग्जाम में A+ ला दिया, और क्या चाहिए। नाउ इज देयर समथिंग यू वॉन्ट टू टेल अबाउट। तो चलो यहाँ पे कुछ है नहीं, प्राइवेट ट्यूटरिंग चैट एंड नॉट रियली। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मतलब अपना मिस विजिट का काम यहीं पे ख़त्म। तो आगे चल के देखेंगे। ओके, एक बार हम लोग इंड में भी देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो। तो यहाँ पे मिस विजिट का स्टोरी में कुछ है ही है नहीं, देखते हैं। फिर क्या फॉलो से नो हिंट्स मिस विजिट मिस विजिट का देखते हैं। तो एक्चुअली मैं मिस विजिट का हिंट ख़त्म, एंड इसका मतलब है कि मिस विसर्ट का स्टोरी भी ख़त्म यहीं पे, और आगे शायद देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग कौन सा टीचर से स्टार्ट करें? ओके, तो मुझे लगता है यार हम लोगों को पहले इस साइंस क्लब के साथ जाना चाहिए। ओके, साइंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, या म्यूज़िक में। अभी तो देखो हम लोगों के पास कितना ऑप्शन है। एक है म्यूज़िकल जो टीचर है, साइंस का जो टीचर है, और अपना जो पेंटिंग वाला। तो पेंटिंग में हम लोग इसको लास्ट में जाएंगे। ओके, क्योंकि यहीं पे मज़ा है, क्योंकि यहीं पे हम लोगों को ये से मतलब ये स्टोरी लाइन में जाने को मिलेगा। क्या नाम है उसका? ओके, तो ईवी क्या, ईवी देख रहे हो अपना ब्लू डाई हेयर वाली, और इस मिस रोज, और इन दोनों का स्टोरी लाइन हम लोग एक ही साथ करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ग्रेट आर्टिस्ट हैज सोल्ड विद स्पॉट ब्यूटी इन एनीथिंग एज वेल हिमसेल्फ। ओके सर, आई एम ट्राइंग टू जस्ट देखो इन लोगों तो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पेंटिंग करती है, ये भी करती है, मैम पेंटिंग का ही है, पेंट करती है सबको। तो यहाँ पे देख सकते हो उन मतलब शर्ट में, जो शर्ट है शायद आई थिंक पहना हुआ है, उसमें रंग लगा हुआ है, और दूसरे में इसका ये भी पेंटिंग ही करती है दोनों मिलकर। आई मीन ये पेंटिंग सीख रही है, अरे आई मीन दोनों सही है। ओके चलो समझ जाओ, और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते तुम लोगों को, समझ जाओ।
एंड सोल बिकम टूगेदर। ओके, तो उसको बुला रही है फिल्म टीम के लिए, वो मना कर रही है, आई शुड रियली गेट क्लास मिस विसेट विल गेट माई एंड इफ अगेन। तो मिस विसेट का करी मेहनत दे रही है, सब डर रही है कोई भी दूसरा क्लास करने में। आई नेवर सीन एन विवियन गेट एंग्री विथ एनी वन। तो उसका नाम विवियन है, बहुत अच्छा नाम है, एंड मच लेस वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। ओके, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और ना चलो, और यहाँ पे क्या है, कमेंट सी मी आफ्टर स्कूल इफ यू नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एंड स्टूडेंट्स विल बी इन क्लास। यस मैम, तो दे आर स्पीक। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो रोई भी कुछ कर रही है, और वो आर यू वी गोइंग दैट मिस विसेट क्लासरूम। तो मिस विसेट के क्लासरूम में भी जा रही है क्लास करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग मिस रोज को देखते हैं, बात करते हैं। डिड यू हेयर दैट आई सेड एंड ओ आई एम सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग, मतलब क्या मैम ने बोला, मैंने तो देखा ही नहीं। आई मैंने भी नहीं देखा सच में। आई यू फीलिंग ऑल राइट, तुम सही हो ना, मिसेज सेट यहाँ पर आयु को पूछ रहा है। यार टोटली आई मीन नो, क्यों भाई तुझे क्या हुआ अब। एक्चुअली आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर टूडे। ओ भाई, मतलब कुछ उधर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ओ या जस्ट आई नीड टू गो सिट डाउन आई थिंक। ओके ऑल राइट, फील बेटर, थैंक यू मिसेज मिस रोज। एंड ओ यार लास्ट इज फ्री टू चेकअप इन यू वी नाउ, व्हाट शुड आई डू इन द ऑडिटोरियम। तो चलो अभी ऑडिटोरियम है, और यहाँ पे हम लोगों को बस लॉकर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ और नहीं है, यहाँ से कुछ कुछ हॉल वगैरह है यहाँ पे है ईवी। तो ईवी के स्टोरी लाइन में अभी हम लोग जाए क्या, चलो देख ही लेते ईवी के स्टोरी लाइन पे कुछ है कि नहीं। तो अपने ब्लू डाई वाली गर्ल से मिलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओह व्हाट द, तो डर गई है मुझे देख के, सीज यू स्कैर्ड मी आई फेल। तो भाई तुम मुझे डरा दिया, आई फील द हार्ट। तो भाई उसका हार्ट हार्ट बढ़ गया डर के मारे, मतलब अचानक से मैं आ गया था इसलिए। व्हाट आर यू डूइंग इन हेयर एनी वे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये भी पूछ रहा है उसे। वेल आई सॉ यू अरेंजिंग विद मिस रोज एंड देन यू सिंक इन हेयर। तो मिस रोज से बात करके फिर यहाँ पे वो आके बैठ गई, बोली कि मिस विसर्टे का क्लास करना है और यहाँ आके बैठ गई। तो कीप टैब्स ऑन मी। हो नो नो नथिंग लाइक दैट, जस्ट मेकिंग श्योर यू आर ओके इज ऑल, यू आर वरीड अबाउट मी। तो तुम मेरे मेरी चिंता कर रहे हो, ये भी यहाँ पे पूछता है भाई, पूछ रही है। एंड वेल वी आर फ्रेंड्स राइट, तो हम लोग दोस्त हैं ना इसलिए थोड़ा केयर करते हैं। या आई सफोज सो, एंड फ्रेंड्स लुक आफ्टर वन अनदर। तो अच्छी बात है यार, एक दूसरे को देखना चाहिए। एंड यू दैट्स लव एज वेल, तो बट आई कैंड लाइक इट, थैंक्स राइव, वेलकम। तो हम लोग यहाँ पे बात चल रहा है राइव ये से नेवी से। ओके फेयर ईच विल जस्ट टेल अबाउट समथिंग एल्स। ओके फॉर इंस्टेंशन वाई यू आर हाइंगिंग आउट इन द डार्क ऑडिटोरियम ऑल बाई योर सेल्फ। तो भाई अकेले तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड ए जस्ट आई वॉन्टेड टू गो अप सम स्ट्रीम। ओके, तो इसलिए वो जस्ट यहाँ पे आके बैठना चाहती थी। ये क्या चाहिए, कौन पकड़ा है क्या, वाई डिड यू गेट दैट, क्या चीज है। माई सिस्टर, योर सिस्टर गिव यू ए जॉइंट, जॉइंट मतलब क्या चीज है, दिखता होगा चीज कुछ लग तो रहा है। ओ गॉड आई सी बीट इन द ट्रस्ट इन मॉर्निंग, तो ट्रस्ट में से कुछ मिला है रियली। आई वॉन्ट सी बी मैड, सो सी प्रॉबली वॉन्ट बी नोटिस, पता नहीं क्या चीज़ है बट उन दोनों बात कर रहे हैं। एंड इवन इफ सी डोज सी विल जस्ट एज द फ्रेंड्स ऑफ द स्मोक इट। अगर वो गुस्सा भी होती है जस्ट मेरे फ्रेंड से कुछ बोल देगी और कुछ नहीं। वाई सी, तो यहाँ पे ये भी बहुत चालू है। और यू टू आर अलग ऑन वेरी गुड, योर सिस्टर यू एंड योर सिस्टर। ओह, तो ये लोग आपस में बात करने लगे अपनी बहन के बारे में। तो मिलेंगे ना एक दिन, ईवी के बहन के बहन से भी मिलेंगे। ओके, जितने उसके सिस्टर है सबसे मिलेंगे। या हो इन सी गर्ल्स डूइंग मतलब हम इन पर मॉम से बारे में बात कर रही है अभी, गुड एग्जाम्पल नथिंग। तो यहाँ पे ईवी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, इसके अभी अभी मीनिंगलेस है, क्योंकि अभी ईवी के स्टोरी लाइन में हम लोग नहीं जाने वाले, समझ रहे हो, अभी नहीं जाएंगे इसको, हम लोग एपिसोड 50 के बाद जाएंगे। तो अभी क्या, अगर तुम लोग न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि इसको देखना है तुमको, तो भाई करो यार सब्सक्राइब करो। तो चलो टॉपिक में चलते हैं। यू बाई सुंग 295+ इफ यू वॉन्ट। तो भाई वीवो को अपने घर पे बुला रही है, या ईवी हमको घर पे बुला रही है। सी या ईवी,
तो टैटू पार्लर, तो ईवी का टैटू पार्लर हम लोगों ने अनलॉक कर दिया क्योंकि वहीं पे हम लोग ईवी से मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे उस ब्रैड है या ब्रो क्या नाम था उसका, चांदो शायद उसका नाम है। और हम लोग यहाँ पे अभी क्या करें, अभी हम लोगों को साइंस फिक्शन करना है। ओके, तो साइंस में ध्यान देना है। तो अभी मैं आपसे बात करते हैं साइंस में क्या चाहिए हम लोगों को। अगर पहले देखते हैं ऑनलाइन मिस विजिट, व्हाट डू आई हैव टू डू गेट इन माई ग्रेड्स अप। तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने ग्रेड्स को अप करने के लिए, यहाँ पे मिस बोलते हैं यू आर गोइंग टू हेल्प ब्रेक। आ यार गलती से क्लिक हो गया, वो चला गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ द बेसमेंट क्या लिखा है, बनिशमेंट एंड व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू अबाउट। ओ डू यू एक्चुअली बिलीव समवन इन द माई इंटेलिजेंस बिलोंग हियर टीचिंग बेसिक साइंस ऑफ ब्रांच ऑफ द न्यू हर्टलेस। कुछ लिखा ओके, जो मुझे भी नहीं पढ़ना था बट कुछ तो था। यू थिंक दिस इज़ वॉट आई सपोज टू डू इन माई लाइफ। नो, तुम इसको करना क्या, आई यूज टू बी बिलोंग टू द ब्लीडिंग एज। तो वही कुछ अलग ही चीज़ चल रहा है यहाँ पे। और आई वर्क कर समथिंग द बिगेस्ट इन द प्लैनेट फॉर द ह्यूमैनिटी इन द फ्यूचर। तो इसको मत, मिस को कुछ करना है ह्यूमैनिटी के लिए एंड वर्ल्ड के लिए। दैट साउंड्स इंसेंस, हाउ डू यू हेल्प यार। वन डे माई कॉलेजेस फोर्स मी आउट, तो व्हाट डिड यू दे डू दैट, मतलब उन लोगों ने क्या किया आपके साथ, इसको कॉलेज से निकाल दिया था आई थिंक कुछ कल। वेल दे क्लेम आई वॉज लॉसिंग साइट ऑफ द बिगर ऑन द पिक्चर। तो लोगों को लगा कि ये कुछ कर रही है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता बट बोलना चाहिए जितना है मीनिंग्स तुम समझ जाओ। दैट आई हैव टू बिकम द सन ऑफ द एडवांस ऑन द लेगेसी ऑफ द ब्रोस ऑफ सोर। बहुत कुछ बात है जो हम लोगों को सर के ऊपर से जा रही है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज इज दैट दे जस्ट वांट टू इमिटेट द इंटेलिजेंस। ओके, तुम लोगों को ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे पसंद नहीं है यार, वो लोग डरते हैं। दे कुड नॉट हैव मीन सो दे बैंडेड टूगेदर एंड गॉट ब्लैक लिस्ट। इन दोनों कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह, देखो सिंपल से मैं समझा रहा हूँ, मिस जो ओकिटा है वो कुछ अपने दोस्तों के साथ साइंटिफिकली कुछ कर रही है जिससे चलते इन दोनों को बैन कर दिया। अब ये मिस बन गई, कॉलेज स्कूल में आके मिस बनी है और साइंस का पढ़ाती है। ओके, ब्लैक लिस्टेड व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स द वर्ड्स वाइल इंटरेस्ट विल हैव मी। तो अभी ब्लैक लिस्टेड है मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर पाई मैं, बैन किया हुआ। आई बैन ऑर्गेनाइज टू लाइव आउट इन द रिलेक्स इन दस प्लेस लाइक दिस एंड सराउंडेड बाई द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वाइफ। तो भाई उन लोग को लगता है कि सराउंडेड बाई मतलब बच्चे के साथ वो रहे थे, अभी स्कूल पढ़ाती है अपना साइंटिफिक से काम छोड़ के। वेल देयर इज अ सैड स्टोरी अबाउट द हाउ वी सपोज टू हेल्प यू। वेल सिंपल इज रियली जस्ट आई नीड टू फिनिश माय स्टडी। ओके वाह, एंड द मनी इंटरेस्ट विद द ऑफिस ऑफ लाइक टू इन मेक अ चेंज फॉर दिस बोनस फिगर इफ यू जस्ट प्रूव दे विल गेट। तो मैं इसको कुछ करना है जिससे उन लोग इसको ब्लैक लिस्ट से हटा दें। यू थिंक दैट विल गेट योर जॉब बैक, तो ये क्या तुम्हारा जॉब वापस ला सकता है, राहू राहू यहाँ पे पूछ रहा है। ओके मिस से, तो मिस बोलते हैं आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, मुझे जॉब के बारे में कुछ चिंता नहीं है। आई वॉन्ट टू सॉल्व दस बैक क्या लिखा बैक स्टेप सर, जस्ट हाउ फॉल इज दे आवर एंड डिसमिसिंग टोरी ओकिटा। ओह इसका नाम टोरी है, ओके टोरी ओकिटा, तो समझ में आ गया कि इसको दिखाना चाहता है कुछ कमाल का करके जिससे कि इसको ब्लैक लिस्ट से हटा दे और लोगों को पता चले कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। मिस आर डिवन नॉन ऑन द माई इंटरवेंस वर्क एंड वॉच फ्यूचर आई विल बाई सन माई लैब। तो भाई अपना खुद का लैब भी बनानी चाहती है, सही बात है। स्टिल आई एम नॉट सीइंग इन वाई फिट इन टू द ऑल हिस्स। वेल फिट ऑफ आई नीड टू हेल्प मी इन टू द क्या लिखा आई नीड यू टू हेल्प मी इन टू माई फेस। तो भाई राइव का हेल्प चाहिए। ओके आउट ऑफ योर ओन ऑफिस, तो भाई मैम को अपने ऑफिस में बंद कर दिया या दैट्स आउट। तो मिसेस स्मिथ ने इनको इनका ऑफिस लॉक कर दिया और निकाल दिया ऑफिस से, बट अपने पढ़ाती है और कुछ नहीं करते। तो अपना लेबोरेटरी से कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही थी शायद, एंड वन विल सी डू दैट। तो देखते कुछ के क्या कर रही थी जे, सी रीजन वन टू मी पर्सन माई प्रोजेक्टेड डर्निंग द स्कूल टाइम थे। ओ तो जो स्कूल टाइम पे अपना प्रोजेक्ट करते थे तो क्लास वगैरह नहीं करते, तो इसीलिए मैम ने प्रिंसिपल स्मिथ ने इनको अपना जो लैब है उसको बंद कर दिया और यहाँ पे वो पढ़ाती है। वो सेज आई शुड रिमेन द 100% ऑफ फोकस इन द कंसेंस ऑफ कैलकुलेशन ना कि इसको क्या कुछ बोलते हो क्या एंड सर्कुलरिज्म या कुछ ऐसा कुछ। तो मैम का मतलब यही है कि अभी वो फोकस करना चाहती है 100% नहीं, लेकिन अगर ऑफिस बंद रहेगा तो फोकस कर पाएगी, वही बात है यहाँ पे।
नॉनसेंस, हाउ डू आई सपोज टू गेट इन? तो मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ? तो यहाँ पे बड़ी बात है। हाँ, लेकिन विद द की कोड ऑफ कोर्स मिस स्मिथ विल हैव बीन स्टार्टेड अवे समवेयर इन हर ऑफिस आई एम श्योर। तो मिस स्मिथ के ऑफिस में मुझे जाना होगा, वहाँ पे कुछ की कोड मिलेगा। यू वॉन्ट मी टू ब्रेक इन टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड स्टील फ्रॉम हर? मैं अब सिखा रही है कैसे चोरी करना चाहिए। तो यार देखते हैं, इट्स नॉट रियली स्टीलिंग, आई जस्ट नीड टू फिगर आउट द कोड। बिसाइड यू हैव नथिंग टू लॉस रिमेंबर एंड से कोल एक्सपल मी से, वो मुझे भी निकाल सकती है बस। ठीक है, वेल इट रियली मैटर यू स्टॉक एयर इन और अनदर बिग ग्रेटनेस इफ यू थिंक माई क्लासेस। बट या बट देखते यार, डोंट बी फॉलो दिस इज ए गुड डील इफ यू गोइंग टू गेट ब्लू पॉइंट आउट ऑफ मेंबर्स एंड हेल्प मी द टीम अंदर एंड अन फ्यू प्रोजेक्ट। तो मिस विशेष टेक आई मीन मिस ओकिटे के क्लास में जाना होगा लेबोरेटरी में, वो भी चोरी करके। आई विल गिव यू ए प्लस इन द क्लास। भाई तो ए प्लस दे सकती है, ओके। तो वो काम करने कर देने से मैम मुझे ए प्लस देगी, तो चलो यार क्यों नहीं कर देते, टेस्ट में भी पास हो जाएंगे। सो बेसिकली इधर आई हेल्प यू डू अंडरस्टैंड द, ओके। तो भाई मैं हेल्प करूँ तो अपना ग्रेड को बढ़ा सकता हूँ, यही बात है। या विदाउट माई हेल्प आई कॉन्सेंट्रेट भाई कभी पास नहीं कर सकते, इतना बारी बात भाई। चलो देखते आगे क्या होता है। इट्स नॉट लाइक टू आई हैव मंथ्स ऑफ चॉइस। तो चलो मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है, कट कर चलो। एंड यू आर फाइनली स्टार्टिंग टू कैप्चर इन माय सिचुएशन। तो भाई तुम मेरे सिचुएशन को अभी समझ पा रहे हो राइट? एंड यहाँ पे हाउ आई गेट टू द की फ्रॉम द मिसेस स्मिथ ऑफिस, ओके दैट्स योर प्रॉब्लम। तो भाई मुझे कुछ आइडिया लगाना होगा। ऑन बेस्ट ऑफ लक, ग्रैब द लैब कोट एंड पेयर ऑफ द सेफ्टी ग्लासेस और वेल इन माय ऑफिस। डोंट यू ग्रैब। तो मैं उनके ऑफिस में अगर जा पाया तो वहाँ से मुझे क्या लेना है, लैब कोट और पेयर ऑफ सेफ्टी ग्लासेस, ओके। तो यू आर गोना नीड देम। तो भाई हम लोग को जाना है, ओके। आई हैव टू वेट मिसेस स्मिथ लीवर ऑफ सेवेंटर सेवेंटर प्रॉपर्ली। तो चलो, ओह सॉरी कहाँ चला गया। तो मिसेस स्मिथ का ऑफिस यही वाला है, प्रिंसिपल ऑफिस। एंड अभी अभी आफ्टरनून हो, मिस है क्या? हाँ मिस नहीं है, चलो ठीक है। देयर इज अ चांस टू फाइंड अ कोड, ओके सी आर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कोई कोड वगैरह कुछ है क्या, देखते हैं कुछ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो है लेकिन यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा। तो इधर देखते हैं, सोल डेस्क में देखते हैं, यह मिल गया। 6219, तो कोड है 6219, रिमेंबर मी, ओके 6219। वैसे भी बैकपैक में चला गया तो मैं इससे कभी भी जा सकता। तो ये है ओकिटा का साइंटिफिकल जो वर्क करने का। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे इसके रूम में है क्या और एक्सप्लोर करेंगे। मैम के साथ भी बातें करेंगे, ए प्लस लाना है। तो मैं तुम लोगों को दिखा दूँ मेरा ग्रेड्स अभी क्या है। तो यहाँ पे ग्रेड्स को देख सकते हो तुम, और आई मीन ए वाला। तो यहाँ पे मुझे फ्रेंच में ए प्लस मिला है एंड साइंस में मुझे अभी भी ई मिला है, तो इसको ए प्लस करेंगे। उसके बाद म्यूज़िक को करेंगे ए प्लस, उसके बाद आर्ट एंड आर्ट को, जिम को तो हम लोग देखेंगे बाद में इसका क्या करना है। तो अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेल आइकन क्लिक कर देना सब्सक्राइब करके, तभी तो जल्दी देख पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं, बाय बाय। अरे बेटा बंद तो कर, अरे यार चलो बंद कर।